दरगाह शरीफ बड़ी दरगाह शरीफ के नाम से मशहूर है, और सामने है लेक, और यहाँ पर है हज़रत जलालुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह शरीफ। तो ये आपको दिखा रहा हूँ पूरी दरगाह शरीफ, और यहाँ आजू बाजू पूरा रोड इंशाल्लाह बहुत प्यारी दरगाह शरीफ है। आप भी यहाँ पर तो बोलना चाहते हैं आप? नहीं, हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम ये बोलना बोलो ना। अरे वालेकुम नाज़रीन, मैं गुफरान अदा कादरी एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं गुफरान अदा कादरी ब्लॉग। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा रहेगा, इस वक्त मैं हूँ पनवेल में। तो आपको मैं पिछले ब्लॉग में बड़े पीर दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराया था, हज़रत कमर अली शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह की ज़ियारत कराया था। आपको पीछे दरगाह शरीफ दिख रही है, तो आज मैं आपको ज़ियारत कराऊंगा हज़रत जलाल शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह शरीफ की, जो आपको पीछे दिख रही है ये दरगाह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की। तो यहाँ मुजावर साहब से थोड़ी हिस्ट्री लेते हैं दरगाह शरीफ की। तो स्टार्ट टू एंड वीडियो देखते रहना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं दरगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको ये दरगाह शरीफ के बारे में बताया था, ये सबसे बड़ी दरगाह शरीफ है पनवेल की, और ये दरगाह शरीफ बड़ी दरगाह शरीफ के नाम से मशहूर है, और सामने है लेक, और यहाँ पर है हज़रत जलालुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह शरीफ। ये आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह शरीफ, तो माशाल्लाह। तो ये रोड के बीच में ही समझ जाइए, यहाँ भी रोड है, चारों तरफ रोड ही है यहाँ पे। और ये है मदार शरीफ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की, छोटी सी दरगाह शरीफ है माशाल्लाह। और यहाँ पर वज़ू खाना भी मिल जाएगा, और यहाँ आपको बोला था ना चारों तरफ रोड है, देख सकते दरगाह शरीफ के। और ये है मदार शरीफ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपको मदार शरीफ अंदर से दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये मदार शरीफ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, इस सरकार की मदार शरीफ माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मदार शरीफ है। और यहाँ पर चिराग भी जला है, तो अभी मगरिब का टाइम होने वाला है। माशाल्लाह अंदर से कुछ इस तरीके से दिखती है मदार शरीफ। तो आप सरकार के वसीले से दुआ मांगिए, और आपसे गुजारिश है कि आप भी इस दरगाह शरीफ में तशरीफ लाइए। माशाल्लाह बहुत प्यारी दरगाह शरीफ है, आप भी यहाँ पर तशरीफ लाइए और सरकार के वसीले से दुआ मांगिए। तो आपको जो बड़े पीर दिखाया था दरगाह शरीफ, हज़रत कमर अली शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह शरीफ, उनके साथ में आए थे सरकार। तो यहाँ के मुजावर साहब हिस्ट्री भी बताए आपको, मैं बताऊंगा हिस्ट्री में वीडियो में आगे। तो ये मदार शरीफ, आपका नाम है हज़रत जलाल शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, और बाहर से कुछ इस तरीके से माशाल्लाह। ये गेट छोटा सा, तो नसीम भाई, और सामने आपको बड़ी दरगाह भी दिख रही रहेगी। और ये चारों तरफ का मंदिर, और ये मुजावर साहब है यहाँ के। तो ये आपको दिखा रहा हूँ पूरी दरगाह शरीफ, और यहाँ आजू बाजू पूरा रोड है चारों तरफ, और वो है बड़ी दरगाह शरीफ पनवेल में, जो सबसे बड़ी दरगाह शरीफ है वो है। तो उसका व्लॉग नहीं देखा तो वो भी देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं जिंदा मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के चिल्ले में, चिल्ले शरीफ में। तो आपको वहाँ मिलते हैं, वो भी बताऊंगा आपको, यहीं है नज़दीक मौजूद। तो भाई नसीम भाई कुछ बोलना चाहते हैं? तो भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे गुफरान रजा कादरी जैसे कि ब्लॉग्स हैं, ये दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराते हैं, भाई भी बहुत मेहनत करते हैं, तो भाई को भी सपोर्ट करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, कि हमें जो वीडियो बना रहे हैं तो कुछ तो हमें फल दीजिए, तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपने अभी तक बड़े पीर दरगाह शरीफ की ज़ियारत का व्लॉग नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। और पीछे दरगाह शरीफ हज़रत जलाल शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की। तो अगर आपके वहाँ भी कोई ऐसी दरगाह शरीफ है तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। तो ये है अपने साथ नसीम भाई, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीछे है दरगाह शरीफ भाई। नसीम भाई कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम ये बोलना बोलो ना। अरे